उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिशर टीवी। व्यूअर्स, आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या वाकई टिकटॉक बैन हो गई है पाकिस्तान में, और ये कितने अरसे के लिए बैन हुई है, और अगर टिकटॉक की वीडियोस देखनी हो तो कैसे देखी जा सकती है। व्यूअर्स, मेरे चैनल फिशर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, ये आज की न्यूज़ है और ये बिल्कुल सच है। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक टिकटॉक को पाकिस्तान में दोबारा से बैन कर दिया गया है, और अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये कब तक बैन रहेगी, इसके ऊपर अभी कोई वजाहत नहीं आई है। लेकिन ये न्यूज़ 100% कन्फर्म्ड है कि टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। ये अभी अभी बैन हुई है, थोड़ी देर पहले ही, इसलिए बहुत से लोगों के पास अभी तक भी चल रही है और कुछ लोगों के पास जो है वो वीडियोस आना बंद हो गई हैं। अब बात ये आती है कि आप इसको कैसे देख सकते हैं। व्यूअर्स, टिकटॉक जब पाकिस्तान में बैन हो जाए तो फिर उसको किसी दूसरे तरीके से देखना जो है वो इलीगल है, क्योंकि कोर्ट के आर्डर के मुताबिक टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने ये कहा था कि उसको पहले भी पिशावर हाई कोर्ट ने नाज़ेबा और फहाशी वाली वीडियो अपलोड होने के ऊपर बैन किया था, लेकिन बाद में से अनबैन कर दिया गया। अभी भी इसको बैन करने की रीज़न यही है। तो इसलिए अगर आप किसी दूसरे तरीके से टिकटॉक देखते हैं तो वो इलीगल है। बहुत से लोग जो हैं वो VPN इस्तेमाल करते हैं और टिकटॉक को देखते हैं। VPN को इस्तेमाल करते हुए टिकटॉक देखी जा सकती है, लेकिन वो भी लीगल तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हमारे मुल्क की अदालत ने एक चीज़ से मना कर दिया है तो हमें भी उस चीज़ से रुक जाना चाहिए। अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं की गई, ना ही टिकटॉक की तरफ से कोई न्यूज़ आई है कि क्या टिकटॉक हमेशा के लिए पाकिस्तान में बैन कर दी गई है, या फिर वो पिछली दफ़ा की तरह कुछ मवाद उसके ऊपर से हटा देंगे तो उसके बाद जो है उसे अनबैन कर दिया जाएगा। इस तरह का अभी कोई भी न्यूज़ नहीं आई। अभी तक फ़िलहाल जो कन्फर्म्ड न्यूज़ है वो यही है कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हो गई है। बहुत शुक्रिया व्यूज़।